नमस्कार, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। बैतूल जिले के मांडवी गांव में पुराने बोरवेल में मंगलवार शाम को गिरा 8 साल का तन्मय जिंदगी की जंग हार गया। तकरीबन 84 घंटे तक चले बचाव अभियान से जुटी टीम ने 10 फीट लंबी सुरंग की खुदाई रात करीब 2 बजे पूरी की और इसके बाद तन्मय के शरीर को बोरवेल के बाहर निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ। सुबह करीब 5:30 बजे तन्मय की बॉडी को बाहर निकाला गया और कपड़े से लपेट कर एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। वहीं कलेक्टर अमिनवीर सिंह बैस ने बताया कि रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है और बीडी एम्बुलेंस को जिला अस्पताल में पहुंचाई जा रही है। बैतूल जिला के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे तन्मय की मौत पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी तन्मय को नहीं बचाया जा सका। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह व्रजपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी को तन्मय का परिवार स्वयं को अकेला ना समझे, मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश के परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मांडवी गांव में सुनील साहू का बेटा 8 साल का तन्मय मंगलवार की शाम करीब 5 बजे खेलने के दौरान नानक चौहान के खेत में पुराने खुले पड़े बोरवेल में गिर गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव का कार्य शुरू किया गया। बुलडोजरों और पोकलेन की सहायता से बोरवेल के पास 46 फीट गहराई तक खुदाई का काम किया गया। मजबूत चट्टानों और पानी के रिसाव के कारण बचाव दल के करीब 4 दिन का वक्त लग गया, जिसके चलते तन्मय को बचाया नहीं जा सका। वहीं तन्मय को बचाने के लिए NDRF और SDRF के 61 जवान और अफसर 4 दिन से मोर्चे पर डटे रहे। बुलडोजर और पोलकेन की मदद से बोरवेल के पास मंगलवार शाम करीब 8 बजे से बचाव का अभियान शुरू हो गया था। खुदाई का काम गुरुवार शाम को पूरा किया गया और फिर इसके बाद 10 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया था। सुरंग बनाने के दौरान मिट्टी धंस करने के कारण मशीनें वो उपयोग बंद कर हाथों से खुदाई कर मलबा निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार तन्मय के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टर की टीम सिविल सर्जन अशोक बारंगा की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर रही है। वहीं तन्मय माता पिता ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि बोरवेल से बाहर निकालने पर उन्हें उनके बेटे का चेहरा तक नहीं दिखाया गया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।